गाइस वेलकम टू एच ए टेक जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर MIUI ग्लोबल बीटा रूम 8.11.15 के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस अपडेट में क्या खास मिलने वाला। दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो अपडेट मिलेगा इस अपडेट का नाम है 8/11/15 और ये 16 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या खास है और किन किन डिवाइसों को यहाँ पर एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट देखने मिल सकता है, तो इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने आज की हमारी ये वीडियो शो लेकर अंत जरूर देखनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब पास वाले बेल का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है ताकि जब भी हम नए के वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो चलिए अब आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर इस अपडेट के चेंज लॉक के बारे में कि आपको क्या क्या खास देखने मिल सकता है इस अपडेट में। साथ ही मैं बताऊंगा आपको उन डिवाइसों के नाम कि किन्हें यहाँ पर एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट देखने मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ MIUI फोरम पर और यहाँ पर इस अपडेट के थ्रेड पर। तो यहाँ पर जो इन्होंने चेंज लॉक बताया, चेंज लॉक तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा बताया है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा चेंज लॉक होने वाला है वो मैं बताऊंगा आपको कि किन किन डिवाइसों को क्या क्या अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर लिखा हुआ चेंज लॉक के बारे में, दोस्तों उन्होंने केवल 3 ही चेंज लॉक दिखा रखे हैं, उन्होंने लिख रखे हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर फिक्स नंबर 1 लिखा हुआ है, कैमरा कीप्स स्टॉपिंग आफ्टर अपडेटिंग टू 8.11.8। जानिए दोस्तों जो भी Redmi 5 के यूजर्स हैं जो उन्हें जो लास्ट अपडेट मिला था 8.11.8, तो दोस्तों उसमें मिला था इन्हें एंड्रॉइड ओरियो। तो एंड्रॉइड ओरियो आने के बाद में जो इनका कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा था, तो वो इस बार आपको फिक्स देने मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज की, तो लिखा हुआ है समटाइम्स नेविगेशन बटन डिस्प्ले, जाने की जो समटाइम्स जो नेविगेशन बटन होते हैं वो दिख नहीं रहे थे, तो वो फिक्स हो जाएगा इस बार जो इनके पास भी MI 8 है। उसके बाद में फिक्स नंबर 3 लिखा हुआ है, कैंट फाइंड सिक्योरिटी ऐप इन सेटिंग्स, जाने की सभी डिवाइसों के लिए है जो भी बीटा यूजर्स हैं, तो उन्हें जो सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी ऐप नहीं मिल रही थी, तो ये फिक्स देखने मिलेगा। तो आप बात करते हैं कि एंड्रॉइड ओरियो किन्हें किन देखने मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर Redmi 5 के यूजर्स को इस बार एंड्रॉइड ओरियो देखने मिलेगा, साथ ही जिनके पास Redmi 5 है तो उन्हें भी यहाँ पर इस बार एंड्रॉइड ओरियो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनके लिए लास्ट जो अपडेट आया था चाइना में तो उसमें इन्हें एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल गया था। लेकिन दोस्तों जो भी इंडिया के यूजर हैं Redmi 5 वाले, तो Redmi 5 वाले यूजर्स को लास्ट अपडेट में ही जाने के 8.11.8 में एंड्रॉइड ओरियो मिल गया था, लेकिन बाद में वो अपडेट सस्पेंड कर दिया था जिसके कारण बहुत सारे लोग उसे अपडेट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की बार ये सभी के सभी लोगों को अपडेट मिल जाएगा एंड्रॉइड ओरियो का Redmi 5 के यूजर को। शायद दोस्तों जिनके पास भी Redmi 5 है तो उन्हें भी इस बार एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही खास अपडेट रहने वाली है। और दोस्तों बाकी यहाँ पर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं निकल कर आ रही है, ना ही यहाँ पर पोर्टल मोड के बारे में बताया जा रहा है कि आएगा या नहीं आएगा, जो इनके जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, तो ये अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। तो जब ये अपडेट आ जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं बताऊँगा कि आपको इसमें क्या क्या खास देखने मिला है। दोस्तों आपने इसलिए अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए MIUI से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बस आज की वीडियो में ये थी इन्फॉर्मेशन, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपने इस वीडियो लाइक करना शेयर कर देना सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपने शुभ रहे।